हे गाइस, मैं हूं तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज ये वाला वीडियो जो है हमारी 2012 मॉडल महिंद्रा बोलेरो, जिसका हम फुल मॉडिफिकेशन करने वाले थे, तो ये पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो जब गाड़ी हमारे पास किस कंडीशन में आई थी वो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। पार्ट टू अभी जो हम इसके अंदर काम कर रहे हैं वो डेंटिंग पेंटिंग का काम होना है। तो अभी आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर हमारी ये 2012 मॉडल बोलेरो ये खड़ी हुई है, जिस पर डेंटिंग का काम अभी चल रहा है, इसके बाद पेंटिंग का काम चालू होगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी खुलने के बाद में ये किस तरीके से अभी दिख रही है। तो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी 2012 मॉडल गाड़ी है, और इस गाड़ी का फ्रंट लुक आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये बम्पर है पूरा का पूरा चेंज किया गया है। जो गाड़ी का बम्पर था वो पूरा टूट चुका था, तो नया बम्पर यहाँ पर डाला गया है, जो कि आप देख पाएंगे। इसमें अभी पेंट का जॉब अभी बाकी है। यहाँ पर फॉग लैम्प इंस्टॉल होगा, यहाँ पर जो हमारे हेडलाइट इंस्टॉल होने वाले हैं तो उसके लिए कटिंग यहाँ पर की गई है। आप देख पाएंगे प्रॉपरली यहाँ पर कट किया गया है, जिससे प्रॉपर फिट हो गए हमारे न्यू हेडलाइट्स जो कि इसके अंदर इंस्टॉल हो गए। ओल्ड वाले हेडलाइट थे इसके, ख़राब थे, उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये नीचे वाला बम्पर एकदम न्यू वाला यहाँ पर डाला गया है, आप इसको लुक देख पाएंगे। और ग्रिल हमारा ऑलरेडी है दोनों साइड के हेडलाइट के लिए। यहाँ पर ये देखिए, ये कटिंग की गई है न्यू हेडलाइट्स करने के लिए। डेंटिंग पेंटिंग का काम अभी यहाँ पर चालू है, जहाँ जहाँ पर डेंट आए हुए थे वहाँ पर डेंटिंग का काम हो गया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ देखेंगे जहाँ जहाँ जंग लगा हुआ था, ये सारा का सारा काम अभी इसके ऊपर किया जा चुका है। अब गाड़ी जो हमारी है पेंटिंग के लिए जाएगी, तो जो डेंटिंग वाला काम है ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है। तो जिस तरीके से हमारे पास गाड़ी आई थी उस कंडीशन को देखेंगे और अभी की कंडीशन को देखेंगे, तो उस पर काम बहुत ज़्यादा होता है। डेंटिंग का काम अभी आप देख पाएंगे वर्क में चल रहा है, और ऊपर में स्पॉयलर इसके अंदर लगा हुआ है। पीछे का जो टेल लाइट है वो भी यहाँ से निकाल लिया गया है, और यहाँ पर नए टेल लाइट हम लोग लाने वाले हैं। नीचे में भी देखेंगे यहाँ जंग वगैरह लगा हुआ था, वो सारा का सारा यहाँ पर रिपेयर कर दिया गया है। तो ओल्ड गाड़ी थी हमारी 2012 मॉडल, और इसका एक्सटीरियर लुक आप देख सकते हैं। तो बोलेरो SLX है, स्पॉयलर ऊपर में लगा हुआ है, बाहर से पूरा बॉडी के अंदर अभी पेंट होने वाला है। डेंटिंग का काम अभी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो जैसे ही इसका पेंट का काम होता है फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये पूरा डेंटिंग का काम यहाँ पर नीचे से ऊपर तक पूरा डेंटिंग का काम अभी चल रहा है। सारे डोर्स है जो उसमें भी काम चल रहा है, साइड क्लैडिंग। तो अभी पेंट होने के बाद में इसका जो लुक आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये पार्ट टू है, पार्ट थ्री वीडियो में हम पूरा पेंट जॉब के बारे में देखेंगे। अभी अंदर चले हम लोग, तो यहाँ की जो रबड़े वगैरह थी आप देखेंगे, ये सारी रबड़े वगैरह यहाँ से निकाल ली गई है। ये जंग वगैरह अंदर लग रहा है, तो सारा काम इसका होगा यहाँ पर। चलो गाड़ी के अंदर देखेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो चीज़ है गंदी है, ये पूरा पेंट होगा। अभी अंदर में देखेंगे तो गाड़ी पूरी ओपन कर ली गई है, स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये पूरा डैशबोर्ड जो हम लोग लेदर पेंट करने वाले हैं, लेदर कवरिंग करने वाले हैं, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से देखिए पूरा का पूरा डैशबोर्ड निकाल लिया गया है, ये स्टेयरिंग व्हील है। और नीचे में देखेंगे ये पूरी गाड़ी गंदी है भाई, आप देखेंगे जंग लगा हुआ है, डस्ट लगा हुआ है सब कुछ। ऊपर का रूफ़ देखेंगे तो ये रूफ़ जो है पूरा गंदा है। तो अभी ये जो चीज़ें हैं ना, इसको फुल मॉडिफाई करेंगे, पूरा लेदर वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आप जो डोर पैड देख रहे हैं, यहाँ पर डोर पैड लेदर वाले आपको देखने को मिल जाएंगे जब गाड़ी पूरी मॉडिफाई होगी। तो ये पार्ट टू वीडियो है जिसमें मैं आपको डेंटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि गाड़ी खुलने के बाद में किस तरीके का व्यू देती है। तो ये है, इसमें हमारा एंड्रॉयड सिस्टम डलने वाला है यहाँ पर, जो कि जब वीडियो गाड़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ हमारी सीटें के लिए यहाँ पर ये सारे नॉब दिए गए हैं। तो अभी डेंटिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, पेंटिंग पे अभी गाड़ी हमारी जाने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टील व्हील है, अलॉय व्हील से यहाँ पर हमारे अभी इंस्टॉल हो गए जब गाड़ी रेडी हो जाएगी। तो ये जो गाड़ी है हमारी 2012 मॉडल, जिसका डेंटिंग का काम मैंने आपको बताया, डेंटिंग होने के बाद में पेंटिंग होगी और उसके बाद मॉडिफिकेशन होगा सारा इंटीरियर का, तो वो आपको पार्ट थ्री और पार्ट फोर वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्विफ्ट गाड़ी है उस पर भी अभी यहाँ पर पेंटिंग का जॉब हो रहा है। इसके जस्ट बाद हमारी जो बोलेरो गाड़ी है वो यहाँ पर लग जाएगी, और फिर उसके बाद में पेंटिंग का जॉब होगा। तो पेंट जॉब भी यहाँ पर प्रॉपरली एक्सपर्ट के थ्रू किया जाता है, आप देख पाएंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारी विंडोज़ को क्लोज़ किया गया है। और ये फर्स्ट कोटिंग है, इसके बाद में सेकेंड लेयर की कोटिंग भी यहाँ पर डाली जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये हमारी बोलेरो के साथ में भी होने वाला है, पेंटिंग जो जॉब हमारा होता है। तो अभी डेंटिंग काम हो गया, जैसे मैंने आपको बताया है हमारी बोलेरो वहाँ पर खड़ी हुई है, और इस पर अब नंबर इसका लगने वाला है हमारा पेंटिंग का। तो दोस्तों, आपने जैसे कि देखा हमारी 2012 मॉडल जो बोलेरो हैं, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी उसकी, तो अभी डेंटिंग का काम इस पर कर दिया गया है।
इसके ऊपर अभी पेंटिंग का जॉब होने वाला है। पेंट होने के बाद में फिर भी बताऊँगा कि किस तरीके का पेंट है, किस क्वालिटी का पेंट है, और पेंट होने के बाद में गाड़ी का एक्सटीरियर लुक कैसा दिखेगा। इसके बाद में हमारा पार्ट थ्री वीडियो में पेंट जॉब के बारे में बताऊंगा आपको। पार्ट फोर वीडियो में पूरा जो हमारा इंटीरियर होने वाला है मॉडिफिकेशन इस 2012 मॉडल की बुलेरो में, उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।